अभी स्कूल्स और एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के पास इन चीजों का बेचने की इजाजत नहीं होगी। हमारी कंट्री इंडिया के अंदर स्कूल्स जब रीओपन होंगे या रीओपन होने वाले हैं, उसके बाद ये नियम का पालन करना होगा। पूरे इंडिया के एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस और स्कूल्स हो या कॉलेजेस हो, इनके पास कोई भी अनहेल्दी फूड सेल नहीं किया जाएगा। इसके लिए FSSAI फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने एक नियम बनाया है और वो नियम स्टूडेंट्स के लिए अभी हेल्दी फूड अवेलेबिलिटी की कोशिश की जाएगी और कोशिश भी कर रहे हैं। FSSAI ने ये भी गाइडलाइंस जारी किया है कि कोई भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के आसपास 50 मीटर के अंदर जंक फूड या जंक फूड इस तरह के या इसके बराबर वाली कोई दुकान को बेचने की इजाजत नहीं होगी, ना ही वो इजाजत दे सकते हैं, और इस नियम का पालन सबको करना होगा। और इसी तरह FSSAI ने ये भी कहा है कि जो भी स्कूल्स के अंदर हॉस्टल्स है या हॉस्टल के किचन्स हो या मेस हो या कैंटीन्स के अंदर जो भी फैटी फूड हो या ज्यादा साल्ट वाला हो या उसके अंदर ज्यादा शुगर वाला हो, इस तरह का फूड बिल्कुल अवॉइड किया जाएगा और कोई भी स्टूडेंट को इस तरह का फूड नहीं दिया जाएगा। और FSSAI कमेटी ने ये न्यू गाइडलाइंस आज ही जारी किया है, ये सबको पालन करना होगा। जो भी इसका पालन नहीं करेगा उसके खिलाफ एक्शन भी लिया जाएगा, इस तरह इस कमेटी ने कहा है।